बस्ती मंडल के संत कबीरनगर जिले में आगामी 5 जून को भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन होने जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति कबीर परिनिर्वाण स्थली पर पहुंचेंगे और सूफी संत कबीर की समाधि पर भी जाएंगे। उसके बाद साधु संतों को भी संबोधित करेंगे। हमें एक ऐसे संत मिले हैं जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई है। ऐलान भी किया कि अगर उन्हें देश के सबसे सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति से भी न्याय नहीं मिला तो वो मजबूर होकर अन्न जल त्याग कर समाधि ले लेंगे। पीड़ित संत हरिश्चंद्र दास ने एक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति से इस बात की गुहार लगाई और उनका प्रयास भी होगा कि 5 जून को जब राष्ट्रपति जी आएंगे तो वो खुद उनसे मिलकर न्याय मांगेंगे। संत के इस पत्र से अब हड़कंप मच गया। ये संत कोई और नहीं बल्कि कबीर मठ के हरपुर शाखा के महंत है और संत का कहना है कि लालगंज थाना क्षेत्र के दुबली खुर्द गाँव में कबीर मठ की कई बीघा जमीन को भू माफियाओं ने जबरन कब्जा कर रखा। पिछले 40 साल से कबीर मठ की जमीन पर दबंग किस्म के भू माफिया संत राम और उसके साथियों ने कब्जा जमा लिया है और संत कई दिनों से न्याय के लिए यूपी सरकार समेत स्थानीय प्रशासन को सैकड़ों पत्र दे चुके हैं, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात्र हैं। संत हरिश्चंद्र दास ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि जब उनकी कोई नहीं सुन रहा तो उनके पास एकमात्र रास्ता बचा है राष्ट्रपति जी को पूरे मामले से अवगत कराए। चूंकि राष्ट्रपति खुद कबीर मठ पर आ रहे हैं तो उनसे मठ की समस्या को अवगत कराया जाना उचित भी होगा। संत हरिश्चंद्र का कहना है कि दुबली खुर्द गांव में संतराम और उसके नाते रिश्तेदारों ने मठ की 22 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर खेती करनी शुरू कर दी। इस मामले में ही एक महंत की हत्या भी की जा चुकी है। कोर्ट से संतराम और उसके रिश्तेदारों का नाम भी खारिज हो चुका है। कई बार राजस्व कर्मचारियों ने जांच कर रिपोर्ट भी आला अधिकारियों को दी, बावजूद इसके इस लड़ाई में उनका कोई साथ नहीं दे रहा। महंत ने कहा कि टीएम से भी कई बार मिलकर शिकायत की मगर मौके पर कोई भी अधिकारी जाकर भू माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। बड़ा सहयोगी है जो कि अपने आप को बीजेपी का समर्थक कहता है, इसका नाम है बाबूराम चौधरी, देईसाण का ही रहने वाला है। वो जो है कि संतराम आदि उन लोगों को उकसाता है हमेशा और उन लोगों का सहयोग, राजनीतिक सहयोग हमेशा करते आया है, जिसमें नेताओं के द्वारा यहाँ के पदाधिकारियों पर दबाव पड़ता है। इस कारण से मठ की संपत्ति अभी तक भूमाफियाओं के कब्जे में पड़ी हुई है। मैंने 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी दिया, लेकिन हमेशा लेखपाल कानगो यह लोगों ने गलत रिपोर्ट लगाया तथा सरकार को गुमराह करने का काम किया है। गुमराह किया थोड़ा हमारे दर्शकों को गुमराह यह करने का काम किया है कि अवैध कब्जा लोगों का है और इन लोगों ने शुरू से दिखाया कि अवैध कब्जा नहीं है, खाली पड़ी है। क्या हो रहा है उस जमीन पे? उस जमीन पे खेती हो रही है दबंगों द्वारा, जो भूमाफिया दबंगों द्वारा खेती हो रही है और शासनिक प्रशासनिक अधिकारी भी असमर्थ उसके आगे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं ये मेरा जो शक है, और शक ही नहीं पूरा यकीन है कि यहाँ के सफेदपोश राजनेताओं का संरक्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी व भारत सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कई प्रकार के सख्त कदम उठाया है और उठाते रही है। मैं ये निवेदन करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ करिए और मेरी व्यथा को समझें। मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ क्योंकि इस मठ की संपत्ति के कारण हरपुर कबीर मठ के महंत रामदास जी की हत्या भी हो चुकी है और शंका इसमें भी नहीं है कि मेरी भी हत्या हो सकती है इन भूमाफियाओं के द्वारा। नहीं, आपको महंत बने हुए कितने दिन हो गए इस मठ का, हरपुर मठ? मैं 2 साल से लगभग वहां का महंत हूँ। तो हनुमान दास अभी जो इससे पहले मठ के रामदास जी थे, ये कौन है? रामदास जी वहाँ के मठ के महंत थे। वो कहाँ है? उनका 2006 में हत्या कर दिया गया। वो फिर उत्तराधिकारी कौन बना रामदास? रामदास जी का उत्तराधिकारी महंत सर्वजीत दास जी बने। वो कहाँ है? 31/12/2020 को उनका निधन हो गया। इसके बाद मगहर के महंत विचारदास जी के द्वारा मुझे नियुक्त किया गया हरपुर कबीर मठ की। तब से आप लड़ाई लड़ रहे हैं मठ की जमीन को? लड़ाई लड़ रहा हूं और आप लोग देख रहे हैं उसी संपत्ति की लालच में उन लोगों ने हत्या किया है और मुझे भी धमकियां दे रहे हैं कि मैं
जिस प्रकार से रामदास को मरवाया था उसी प्रकार से तुमको भी मरवा दूंगा, क्योंकि इन लोगों का बहुत लंबा खानदान है, 7 भाई थे, 7 भाइयों का पूरा परिवार है। इनसे आसपास के सभी लोग दहशत में रहते हैं। क्यों? कारण यह है कि जो सफेदपोश लोगों का इस भूमाफिया पर हाथ है, इसी के बल पर वह है। मान जी ये बताइए, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, आपको उम्मीद क्या है राष्ट्रपति जी से, क्या मांग करते हैं आप उनसे? महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं मगहर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं आपसे अभिलाषा रखता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि मैं पर्सनल प्रॉपर्टी की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ये हमारे कबीर पंथ संस्था की चीज है, जो कि अवैध तरीके से उस पर खेती किया जा रहा है। 3-4 लाख रुपया हर साल मठ का शोषण किया जा रहा है, और 40 वर्षों से इन लोगों ने फर्जी सुलहनामा करा करके मठ के महंतों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाया, तथा मठ की संपत्ति का हर तरफ से इन लोगों ने नुकसान ही नुकसान किया है। मैं आग्रह करूंगा कि इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जुर्माना भी लगाया जाए 40 वर्ष। मान जी जो आपने लिखा है उसपे आप मांग कर रहे हैं, अगर नहीं, अगर राष्ट्रपति जी तक आप अपना ये पत्र पहुंचा पाते हैं तो आप क्या करेंगे? निर्णय ये बताना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से व महामहिम राष्ट्रपति जी से कि अगर कबीर मठ को आप लोगों के द्वारा मुक्त नहीं कराया गया तो मैं कुछ समय के बाद में समाधि ले लूंगा।